और चलिए आगे बढ़ेंगे देहरादून से, बड़ी खबर आपको बता दें तो प्रीतम सिंह और सूर्यकांत धस्माना पर एफआईआर, सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। सचिवालय कूच के दौरान जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। सरकारी काम में बाधा डालने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज है। कांग्रेस के 500 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रीतम सिंह और सूर्यकांत धस्माना पर एफआईआर दर्ज हुई है। सचिवालय कूच बुलाया गया था प्रीतम सिंह की तरफ से, जिसमें आरोप है कि सचिवालय कूच के दौरान जबरदस्ती बैरिकेडिंग पार करने पर उन पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी संख्या में सचिवालय कूच में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो भी शामिल हुए हैं, और कांग्रेस के 500 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर देहरादून से। सचिवालय कूच को लेकर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है, और जब प्रीतम सिंह की तरफ से सचिवालय कूच किया गया था उस वक्त कैसा हंगामा हुआ उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। तो दिल्ली से देहरादून के लिए रवाना हो रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, और थोड़ी ही देर में देहरादून के लिए रवाना होंगे। दिल्ली से सीधे मसूरी पहुंचेंगे सीएम। पहले आलाकमान से मिलने का कार्यक्रम था, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से सीधे मसूरी पहुंचेंगे, जहां पर भाजपा का चिंतन शिविर चल रहा है। चिंतन शिविर का दूसरा दिन, थोड़ी ही देर में देहरादून के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। पहले ये जानकारी थी कि आलाकमान से मुलाकात हो सकती है, और लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है कि दिल्ली से सीधे मसूरी पहुंचेंगे। और चलिए अविनाश फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या जानकारी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम को लेकर आज? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी 10 बजे उत्तराखंड सदन से निकलेंगे और सीधे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जाएंगे, जहां पे अगर बात करें तो तकरीबन 10:30 बजे यहां से देहरादून के लिए उड़ान भरेंगे, और 11:30 बजे करीब वो देहरादून में लैंड कर जाएंगे, जिसके बाद उनका जो अभी का कार्यक्रम है, पहले वो मुख्यमंत्री जो कार्यालय है वहाँ पर जाएंगे और जो तमाम सारे कार्य है उसका निपटारा करेंगे। इसके बाद फिर मसूरी जाएंगे, जिस तरीके से मसूरी में बैठक चल रही है वहाँ पर फिर वो शिरकत करेंगे। फिलहाल दिल्ली में भी वो मौजूद हैं और 10 बजे वो उत्तराखंड सदन से निकलेंगे। कल अगर बात करें तो वो कल दिल्ली आए हुए थे, कल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस मनाया गया था, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद वहां पे पहुंचे थे, और उत्तराखंड के जो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने वहां पे स्टॉल लगा रखे हैं, जो तमाम सारे लोक कलाकार हैं जिन्होंने कल वहां पे उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया है, उन तमाम सारे लोगों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की, और यह भी जानने की कोशिश की कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है उत्तराखंड के तमाम सारे उन उत्पादों का जो पहाड़ों में होता है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से हिमाद्री तमाम सारे हैंडमेड वहां पे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो उसका किस तरीके से दिल्ली में रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो तमाम सारी जानकारी मुख्यमंत्री ने ली है। और अभी अगर बात किए तो 10 बजे उत्तराखंड के लिए वापस रवाना हो जाएंगे, देहरादून पहुंचेंगे। बिल्कुल, तो ये कार्यक्रम है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, जिसका अविनाश जानकारी दे रहे थे। बहुत धन्यवाद अविनाश तमाम जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।